नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। चारबूजा थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी का राज फाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से कार सहित 89 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर लिया। चारबूजा थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि मोराना चौराहा निवासी नाकाबंदी के दौरान पड़ासली की तरफ से आई कार पुलिस को देखकर वापस घुमाकर भागने लगा, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। कार से डोडा पोस्त जब्त कर लिया है। साथ ही ठाकुर जी का घोड़ा खेवाड़ा जिला पाली निवासी भिकाराम पुत्र वागाराम देवासी तथा बिठूड़ा तखतगढ़ जिला पाली निवासी लाखाराम पुत्र अंबाराम देवासी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में पेश किया, जहाँ से रिमांड पर रखने के आदेश हुए। अब प्रकरण की अग्रिम जाँच केलवा थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। उसको भी समझा, इसके हिसाब से देखा तो अंदर अवैध मादक पदार्थ होने का संदेह हुआ, जिस पर कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए कार को चेक किया, जिस पर उस कार के अंदर करीब 89 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त होना पाया। अवैध डोडा पोस्त को जब्त किया, साथ ही दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। और वह माल कहाँ से लेके आ रहे हैं थे और कहाँ लेके जा रहे हैं, इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। चारबूजा गडबोर पंचायत के बोबजी की बागल में 94 बीघा चारागाह व बिलाना जमीन पर अतिक्रमण को तहसीलदार प्रवर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा हटाया गया। तहसीलदार राठौड़ में निरीक्षक, 1 दर्जन पटवारी व 2 दर्जन पुलिस बल के साथ बोबजी की बागल पहुंचे, जहां 2 JCB व 0.5 दर्जन ट्रैक्टर लगाकर कच्ची दीवारें ढहा दी गई। कुछ कच्चे मकान भी थे जिन्हें भी ध्वस्त कर दिए गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग विरोध में भी उतरे, लेकिन भारी पुलिस जाप्ता होने से कार्रवाई बाधित नहीं हुई और शाम तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलती रही। दिन भर में 94 बीघा चारागाह व बिलानाम जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। साथ ही तहसीलदार राठौड़ ने चेतावनी दी कि अगर अब कोई अतिक्रमण करेगा तो उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। भीम थाना क्षेत्र के जस्साखेड़ा पंचायत के अंतर्गत आंवलसाला घाटा में जमीन विवाद पर महिला ने 70 वर्षीय वृद्ध पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। बाद में अन्य लोग उसे भीम अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में ब्यावर रेफर कर दिया गया। भीम DSP समुद्र सिंह ने बताया कि पति जमीन बेचना चाह रहा था, जबकि पत्नी इसका विरोध कर रही थी। इसी बात को लेकर 25 जुलाई को दाखीबाई ने वृद्ध पति तेज सिंह पर पेट्रोल डालते हुए आग लगा दी। आग लगने पर वृद्ध चीखा व चिल्लाया तो आस पड़ोस के लोग दौड़ आए, मगर तब तक वह काफ़ी झुलस चुका था। फिर उसे तत्काल भीम अस्पताल ले गए, जहां से ब्यावर रेफर कर दिया गया। पुलिस को दिए बयानों के आधार पर भीम थाना पुलिस ने झुलसे तेज सिंह की 54 वर्षीय वृद्ध दाखीबाई को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि दाखीबाई उसके नाम की जमीन नहीं बेचना चाह रही थी, इसी कारण से विवाद हो रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार वृद्ध महिला को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। राजसमंद जिले में 29 जुलाई को दिन भर में 8 नए पॉजिटिव मिले, जबकि 11 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो गए। CMHO डॉक्टर JP बुनकर ने बताया कि भीम के चांदातों का बाड़िया में 32 वर्षीय युवक, नाथद्वारा में 45 वर्षीय महिला, 57 वर्षीय महिला, 70 वर्षीय वृद्धा, 60 वर्षीय वृद्ध पुरुष, 54 वर्षीय वृद्ध, 33 वर्षीय पुरुष, 65 वर्षीय पुरुष पॉजिटिव पाए गए। इनकी संपर्क हिस्ट्री तैयार करते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। इधर आमेट में 4, भीम में 3, रेलमगरा में 2, देवगढ़ में 1 व कुंबलगढ़ में 1 व्यक्ति कोरोना को हराकर स्वस्थ हो गए हैं। जिले में अब 21,611 सैंपल लिए गए, जिनमें से 19,474 नेगेटिव रहे तथा 594 पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 447 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब राजसमंद जिले में सक्रिय पॉजिटिव 117 हैं। पंचायत समिति राजसमंद के विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान ने बडाड़ा, पिपड़ा, सुंदरचा, मुंडोल में खारी फीडर सफाई के चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। मुंडोल व सुंदरचा में कार्य धीमी गति से होने पर विकास अधिकारी ने नाराजगी जताई, साथ ही कार्यरत कार्मिकों को एक पखवाड़े के अंदर कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए। इस दौरान सरपंच सीता पालीवाल, तुलसीराम बागोरा, गणेश कुमावत, नारायण सिंह राठौड़, शंभूलाल व्यास, लाल सिंह जाला, प्रहलाद सिंह राठौड़, आशा चपलोत आदि मौजूद थे। आमेट ब्लॉक के पनौतिया ग्राम पंचायत में सरपंच गोमा देवी गुजर के समर्थन में ग्रामीणों ने आमेट पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। बाद में विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर उन सरपंच के खिलाफ 2 दिन पहले कुछ लोगों द्वारा दी गई शिकायत को झूठी व मिथ्या बताया।
सिमाल, साकरोदा, जाटियाखेड़ा, धनोली, बुकरडा व रामपुरिया के सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण पंचायत समिति आमेट के बाहर एकत्रित हो गए। साथ ही पनौतिया सरपंच के विरुद्ध कतिपय लोगों द्वारा की गई शिकायत को झूठी बताते हुए निष्पक्ष जाँच करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि सरपंच पुत्र द्वारा ग्राम पंचायत के कार्य में कोई दखल नहीं दी जा रही है, सिर्फ समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। फर्जी कार्य करने के लिए, अनैतिक दबाव बनाने के लिए कतिपय लोग झूठी शिकायत कर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। फिर आमेट उपखंड अधिकारी को भी इस ज्ञापन की प्रति दी गई। इस दौरान सरपंच गोमा देवी गुजर, उप सरपंच गुलाबी देवी जाट, वार्डपंच शैतान सिंह, देवीलाल माली, पंकज मेवाड़ा, हजारी भील, पुष्पा रेगर, कैलाश देवी रेगर, देव देवी जाट, चतरलाल गुजर सहित सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। जो बिल्कुल झूठा था, ठीक है। और हमारे सरपंच जब भी पंचायत में, उसके बाद हम आज़ाद हुए, लेकिन पहले से बहुत परेशान थे लोग, हमको सबको परेशान कर रहे थे। अभी वो झूठे झूठे आरोप लगा रहे सरपंच पे, ये सभी बात झूठी है। मैं 10 से वार्डपंच हूँ। उन लोगों ने कल और दो दिन पहले कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया था, उसमें मेरे फर्जी साइन करके खुद लेके आ गए और अखबार में नाम दे दिया। न मेरा, मैं वहाँ पर गया था, नहीं वहाँ उपस्थित था ज्ञापन देने में। फर्जी नाम दिया। मैं वार्ड नंबर 10 से वार्डपंच हूँ। मैं अधिकतर समय पंचायत में रहता हूँ। सारा काम गोमी देवी संभालते हैं। सरपंच पुत्र पर जो भी आरोप लगाए वो सभी झूठे हैं। सरपंच पुत्र किशनराम जी सिर्फ समाज सेवी का काम करते हैं। कोई गरीब आदमी को कुछ काम हो तो अपनी गाड़ी में बिठा के जरूर लेके गए होंगे। डेलवाड़ा में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी के जन्म दिवस पर युवक कांग्रेस द्वारा पौधरोपण किया गया। अम्बालाल सिरोया राव मावी में सबसे पहले पौधरोपण किया, फिर प्रधानाचार्य विनोद बाला श्रीमाली, पूर्व सरपंच रतन सिंह सोलंकी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष संपत पालीवाल, भाग्योदय सोनी, उप सरपंच प्रदीप पालीवाल, वार्डपंच प्रभुदास वैष्णव, दिलीप सोनी, ललित सोनी, विनोद यादव, ज्योति पंचोली, गरिमा टंडन, अर्पित राज सिंह सोलंकी आदि मौजूद थे। इसी तरह राव मावी व पंचायत परिसर के साथ सड़क किनारे भी अर्जुन, आशापाल, गुलाब, चमेली, पपीता, चंपा व बिलपत्र के पौधे रोपे गए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व मेवाड़ के कांग्रेस नेता डॉक्टर सीपी जोशी के जन्म दिवस पर राजसमंद के कांग्रेस पदाधिकारियों ने जयपुर आवास पहुंचकर श्री द्वारकाधीश प्रभु की छवि प्रसाद व इकलई भेंट कर अभिनंदन और शुभकामनाएं दी। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकीनंदन गुजर, पीसीसी सदस्य वीरेंद्र वैष्णव, हरि सिंह राठौड़, जनजाति विश्वविद्यालय कुलपति आईवी त्रिवेदी, राकेश जोशी, दिग्विजय सिंह राठौड़, कुलदीप शर्मा, दालचंद कुमावत, दिलीप जोशी, विकास सोनी, आनंद सिंह चौहान, सरपंच ललित श्रीमाली आदि मौजूद थे। इसी तरह की ताज़ा व रोचक खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।